तो दोस्तों ये है अजमेर शरीफ का मेन मार्केट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो दोस्तों अभी अभी मैंने एक व्लॉग एंड किया जो कि था जालंधर से लेकर अजमेर, और फाइनली दोस्तों हम लोग अजमेर पहुंच गए। पूरे 22 घंटों का सफर था, हालत ख़राब हो गई, और सबसे पहले हमने क्या किया, अपना रूम लिया होटल में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट था क्योंकि हम थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो रूम हमने ले लिया, अभी मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा कैसा रूम है। और दोस्तों आज जुम्मा है तो नमाज़ भी पढ़नी है, वज़ू हम लोगों ने बना लिया। अभी शौकत भाई और परवेज़ भाई वज़ू बना रहे, तो उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, अजमेर दिखाएंगे आपको और नमाज़ पढ़ेंगे। और हाँ, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, खाना भी खाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, मेहनत लगी यहाँ तक आने में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो को एंड तक देखना, शुक्रिया। तो ये देखिए हमारा रूम बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तो अच्छा लगा। वॉशरूम भी अच्छा है। तो दोस्तों ये है अजमेर शरीफ का मेन मार्केट। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे क्योंकि आज जुम्मा है, इसलिए आज भीड़ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो नमाज स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे जाय नमाज बिछाई जा रही है। तो पहले नमाज अदा करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई कंप्लीट। तो अभी हम अंदर आ गए, हमारा शौकत भाई घूम गया हमसे। शौकत भाई तो शौकत भाई इस भीड़ में घूम गया, हमें वो नहीं मिल रहा है, अभी उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब हमने गर्म कपड़े पहने, मैंने ऊपर से थर्माकोट भी पहना, अंदर से और स्वेटर। मुझे इतनी गर्मी हुई कि मैं बोल नहीं सकता, इसको बोलो कितनी गर्मी हुई भाई। लेकिन आप देखिए धूप कितनी है, ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी हुई मुझे यार, इसने नहाया इसलिए इसको ठंड लगी। अभी आए हम वापस अपने रूम में, क्योंकि सर में इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं बोल नहीं सकता। एक्चुअली रात भर अच्छे से नींद नहीं की, दैट्स वाई ये सब हो रहा है। ऊपर से यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए मैंने थर्माकोट लाया था, लेकिन पंजाब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आए और हर जगह, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है इसको उतारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है। परवेश भाई की भी हालत वहाँ पर ख़राब हो गई, वो देखिए थका यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ी देर हम आराम करेंगे, शौकत भाई अभी बिजी है, वो भी आएंगे। आई थिंक इम्पोर्टेंट है अभी रेस्ट करना, वो कर लेता हूँ उसके बाद देखता हूँ। तो गाइस अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, तो अभी आया हूँ मैं मार्केट ये मिठाई लेने। तो ये यहाँ की बहुत ही फेमस मिठाई है, और मेरे साथ परवेज़ भाई भी है। तो अभी देखिए कितना अच्छा मौसम हुआ, और मैंने चप्पल भी लगाई क्योंकि इसमें मैं कम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो ये है हमारा होटल जहाँ पे हमने स्टे किया है, बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लगा कि कितनी खूबसूरत मछलियाँ है। तो अभी हमें फिर से मार्केट जाना है,
और दो तीन चीज़ें लानी है और शाम के डिनर का इंतज़ाम करना है। फिलहाल शौकत भाई और परवेज भाई भी आ रहे हैं जो मॉडल को मुताज मॉडल। तो अभी हम शाम को यहाँ पे मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं और शौकत भाई के यहाँ पे भी फैन ओह बहुत ज़बरदस्त। अभी हम यहाँ का नींबू पानी ट्राई करेंगे क्यों शौकत भाई? बढ़िया है और का। तो अजमेर शरीफ का नींबू पानी हम ट्राई करने वाले हैं। शौकत भाई ये आपको देख रहा था जब आपने ये बोली की ओके ओके ठीक बात है। 15 साल से हम इधर रह रहे हैं गलियों में। तो अभी मैं हूँ मार्केट में, मुझे अपने लिए रूम ढूंढना है और यहाँ पे मुझे एक आदमी मिले। ओ भाई साहब आप इधर ही रहते हो? और का। और मुझे होटल चाहिए था रात को। होटल चाहिए? हाँ हाँ। अरे हमारा पड़ोसी का होटल है, बढ़िया रेट देता है का। रात को कितना? 3,000 का भाड़ा देगा। 500 दूंगा बाकी अगर नहीं चाहिए। बात बोलते हो? अरे 500 दूंगा जा। तो अभी शौकत भाई ढाबे पे चाय पी रहे हैं लोकल मार्केट में। शौकत भाई बढ़वा कैसे लगे आपको ये चाय? अरे मक्खन वाली चाय है, ऐसी चाय कहीं नहीं मिलती है जो इस बाजार में मिलती है। इधर आ जाना तो फिर हमको दिखाएंगे कि कौन बनाता है ऐसी चाय। तो यहाँ पे हमारे भाई साहब भी है। कैसे हो भाई? अच्छा शौकत भाई। ए हमारा भाई इधर भाई। और कहा है भाई? तो क्या बिजनेस चुएट करा हमारा इधर फ्रूट की बिजनेस है, जो मेवा खाता है ना अपन बापुल में मेरा ही दुकान से निकलता है। अच्छा मुनाफा कितना कमाते हो दिन में? बस यही 5 लाख रुपए एक घंटे कर दे। वाह क्या बिजनेस है। और क्या अगर चाहे ये आसान है क्राइम रेट में क्या क्रोम डिक्सी तेरे को क्या देंगे हम? पैंट 15 देंगे, पहले देखूंगा मैं बंदे काबिल है या नहीं। अगर पैंट बिका तो तभी तो काम देंगे ना बाबा। अच्छा मेरी शक्ल से को सोना बेचने का काम है लगता है ना लुटेरा। और का देखा तो ये बोल रहे हैं अगर आपको काम दूंगा यहाँ तो सोना बेचने का काम। देखा भाई साहब मेरी कितनी बेइज्जती करवा रहा है, ये ऐसा ही बंदा है हमेशा मुझे। हाँ कर रहे हैं थोड़ी ये बेइज्जती नहीं है तो इज्जत है। अरे कैसी चाय लगी आप बोलो? अरे अमिताभ बच्चन के साथ मैंने 5 बार पी है तो तभी तो ये भाषा सीख के आया हम। तो अभी हम शॉपिंग कर रहे थे, यहाँ पे हमें उमर भाई मिले मेरे नाइबर। कैसे हो भाई? बस दुआ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कब आए यहाँ पे? मुझे हो गया 10 दिन। 10 दिन? हाँ 10 दिन। कश्मीरी भाई को देखते ना यहाँ पे तो सुकून मिलता है। लव यू ब्रो। लव यू। ये हमारे नाइबर है उमर साहब। और बोलो कैसा लगा आपको अजमेर में? बस बढ़िया बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, माहौल बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया बनो मुझे यार जो बंदा है हमारे कश्मीर का। हाँ अब किसका फैन हो? मैं आपका फैन हूँ जी। ये क्या करता है यहाँ धोती वोती लगाता है फिर बिजी। उमर भाई शुक्रिया धोई धोई करना है। हाँ धोई 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 कशर करने में गान वाने में चापने वापने शुक्रिया करना बहुत जबरदस्त मत। शौकत भाई यही है उमर अकमल? यही है। हाँ ये का धोखा दिया हमको समय पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो भी मारा मेरे को एक साइड मारा ना एक चक्का देखा वो। तो दोस्तों आज है हमारा डे 2 अजमेर में। तो यहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली क्योंकि हमें जो मेन शॉपिंग करनी है वो दिल्ली में करनी है। तो आज 2 बजे हमारी ट्रेन है जो कि हमें शाम के 6-7 बजे दिल्ली तक पहुँचाएगी। तो अभी यहाँ पे हम तैयारी करें निकलने की क्योंकि ऑलमोस्ट 11:12 तक हमें निकलना है, 1 तक रेलवे स्टेशन पहुँचना है, फिर उसके बाद 2 बजे हमारी ट्रेन है। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, ज़्यादा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, इनके बॉक्सेस मैंने वहीं पे छोड़ दिए क्योंकि फिर लगेज में नहीं आते। और ये भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली और मिठाई ली, तो इसको जल्दी से बंद करते और कपड़े पहनते और निकलते हैं। लोला बरियो बरियो दिल बरो लोला बरियो बरियो दिल बरो चा